अभी थोड़ा सा और घूमेंगे। अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है मुझे। अभी बैग लेके निकल चुका हूँ क्योंकि अभी यहाँ तो रिटर्न नहीं आने वाला, इसलिए बैग लेके निकल चुका हूँ और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ उस चीज़ दिखने के लिए। और चलिए आप लोगों को बता ही देता हूँ चीज़ है क्या। वो है गुरुजी की घर। गुरुजी की घर मुझे पता चला यहाँ पे पास में ही है, चल के थोड़ा सा जाना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ मुझे पता चली, आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मंदिर के पीछे जो झंडा आप लोगों को दिख रहा है, उसके पीछे आप थोड़ा सा नीचे उतर जाएंगे तो आप लोगों को रूम्स मिल जाएगा, पर्सनल रूम्स। तो उधर जाके भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे खास उतना अच्छा लगा नहीं। लेकिन पर्सनल रूम कोई बड़ी बात है यहाँ पर, और बहुत जगह पर ऐसी अभी होटल रेस्टोरेंट बन रहा है। मैंने बहुत जगह देखा कि रेस्टोरेंट होटल अभी भी बन रहा है, काम चल रहा है, पूरा रेडी नहीं हुआ। तो वो जब रेडी हो जाएगा तब तो अच्छा ही होगा। ये सड़क की हालत, बारिश थोड़ी सी हो नहीं पता, हालत ख़राब हो जाती है रोड की। यही है, ये थोड़ी सी जगह पे धाम की पास में ही थोड़ा सा ऐसी हालत है, बाकी पूरा रोड एकदम कच्चा कच्चा है। बहुत अच्छी भी है। और तो गुरु जी सीताराम बालाजी की जय। बाकी सदम फिर से आएंगे, आएंगे ज़रूर। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करके आना पड़ा है। कभी ऐसा होगा कि सुबह उठेंगे शाम को धाम पहुंच गए, तो तब भी आप लोग ही रहेंगे। आप लोग तो फैमिली की तरह है, मेरा फैमिली भी है आप लोग एक और। तो आप लोगों के साथ तो सब कुछ शेयर करना बनता है। तो चलिए अभी आप लोगों को गुरुजी के घर दिखाता हूँ। वैसे भी वेदर बहुत अच्छा है आज। आज क्या है, इस टाइम पे उतना गर्मी भी नहीं है और उतना ठंडा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। और अरे प्राइवेट कार्स बहुत आते हैं। और हम पहुंच चुके हैं, देखते देखते आप लोगों को दिखाओ, दिखा आप लोगों को, क्या बोलते हो, दिखा दूँ? चलिए ठीक है, दिखाई देता हूँ। और ये रहा गुरु जी के घर। बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, अभी मेरे को लगता है शायद गाली पड़ेगा। ये रहा गुरु जी के घर, बहुत खूबसूरत घर है। और ये सामने सिक्योरिटी है। और ये रहा घर, देख रहे हो, फिर भी अच्छा हुआ है अभी। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं छतरपुर। अभी मैं तो गंज टावर के नीचे, मेरा आपका गंज टावर, और यहाँ से डायरेक्ट सतना के लिए बस मिल जाएगा, तो उसी बस के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। बस तो अवेलेबल ही होगा शायद, क्योंकि मैं आया 10 मिनट हो चुका है और मेरे आते ही एक बस गया था। अभी शायद 10 मिनट बाद एक और बस चले आएगा, तो वेट करते हैं उतने देर। और अभी तो अच्छा ही लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। और इधर दूसरी साइड ढाबा भी है, 2-3 ढाबा है, अच्छा खासा ढाबा है। आप चाहे तो इधर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं और चाय के टपरी। मैंने बैठे बैठे एक चाय पी लिया थोड़ा सा। बस उतर के 10 रुपये ऑटो, और पूरा हम आ गए स्टेशन के सामने, पूरा स्टेशन के पास ही। इधर उतर देगा आपको ऑटो से, चल के जाते इतना बता जाना तो बनता। और मेरे साथ एक चीज़ हुआ, वो आप लोगों से सब शेयर करूँगा। मैं जाते वक्त मैं बस स्टैंड यहाँ से थोड़ा सा दूर है, जहाँ पर मेरे को उतरा वहाँ से भी दूर है। तो बस स्टैंड से मैंने छतरपुर के लिए बस पकड़ा, मेरे से 200 रुपया लिया, ठीक है। और सेम जगह से सेम रूट की बस में मैंने रिटर्न आया और मेरे से 160 रुपया लिया। अभी मेरे को जाते वक्त तो फिर भी मैं नेगोशिएट कर रहा था कि भैया 20 रुपया कम ले लो, आते वक्त मैंने एक बात भी नहीं बोली भैया कम
कम ले लो या ज़्यादा ले लो कुछ। मैंने 200 रुपये का नोट पकड़ा ये भैया को, उन्होंने 40 रुपये मेरे को रिटर्न किया। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि जाते वक्त ज़्यादा लिया है, आते वक्त गलती से कम दे दिया। क्योंकि पिछली बार जब आया था तब 180 रुपये से नीचे ना जाते वक्त लिया था और आते वक्त तो आया ही नहीं, तो पता नहीं मेरे को। अभी पहले टिकट ले लेते, उसके बाद और भी बातें करेंगे आप लोगों से। टिकट तो मिल गया है मेरे को, स्लीपर का नहीं था इसलिए थर्ड एसी का लेना पड़ा, और थर्ड एसी का थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। स्लीपर का मिलता तो 500 में हो जाता, थर्ड एसी का 1330 रुपये, तो ये कुछ ज़्यादा पड़ गया, नहीं तो हो जाता। क्या कर सकते, जनरल में आधी रास्ते से आप लोगों को बाद में बताऊँगा, इधर बहुत शोर है, बाद में डिटेल में बताऊँगा कि क्यों थर्ड एसी लिया मैंने। अभी तो 2:30 बज चुके और अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा ट्रेन आने में, 4 बजे में ट्रेन है मेरा। और अभी तो नहा भी ली बाहर, अच्छी कैसी नहाने की जगह थी, नहा भी ली और लंच भी कर लिया थोड़ा सा। तो अभी बिंदास 1.5 घंटा रेस्ट करेंगे, अभी तो सुबह से रेस्ट ही कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है क्योंकि टिकट भी मिल गया मेरे को, नहीं तो अभी यहाँ से जो आप लोगों को बोल रहा था कि जनरल में अगर जाना पड़ता मेरे को तो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि आपको पता ही है अगर जहाँ से ट्रेन छूटता है वहाँ से जनरल में आप चढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत थोड़ी सी कम होता है कि सीट भी मिलने की चांस रहता है। जैसे मैं आते वक्त मेरे को सीट भी मिल गया था, क्योंकि और अभी जाते वक्त सीन ऐसा है क्योंकि यह ट्रेन मुंबई से आ रहा है, तो बीच में उठ रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेन में बीच रास्ते से, तो इधर से जनरल में चढ़ना तो दूर की बात, गेट की साइड भी आप खड़े नहीं हो सकते, इतना भीड़ रहेगा मेरे को पता है। क्योंकि हफ्ते में दिन में एक ट्रेन रहता है इसलिए बहुत भीड़ रहता है, इसलिए मैंने कंफर्म टिकट ले लिया, रिक्स नहीं लिया। क्योंकि आते वक्त बहुत दिक्कत हुआ था, सीट मिल गया फिर भी बहुत दिक्कत हुआ था। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि जाते वक्त भी ऐसा हो। मैं स्लीपर की टिकट मेरे को चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्लीपर की सीट अवेलेबल नहीं था इसलिए मेरे को एसी का सीट लेना पड़ा। उसमें पैसा थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, लेकिन इसी वजह से मैं हर जगह बचत करता हूँ, क्यों जहाँ भी मेरे को दिक्कत आए कि वहाँ मैं पैसा खर्चा कर पाऊँ, इसलिए तो इसी वजह से मेरे को एसी का सीट लेने में दिक्कत नहीं हुआ। और अभी भी तो अच्छा भी लग रहा है अभी थोड़ा सा, क्योंकि कल बहुत थक गया था। और ये मेरा ट्रेन, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, 1232 हिंदी मेरे को, मेरा सीन ऐसा होता है ना, मेरा हिंदी उतना क्लियर नहीं है कि पढ़ सकूँ तेज। यहाँ का वेटिंग रूम भी ठीक ठाक है, वेटिंग रूम भी ठीक ठाक है। हाँ ये कर लो पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। मैं बर्गर खा रहा था और मेरे को ये जो सलाद है ना, ये वाला ग्रीन सलाद है, थोड़ा सा तीखा है, मेरे को पता नहीं। अगर महाराष्ट्र से कोई देख रहा है, अगर किसी को पता है कि ये ग्रीन सलाद कौन सा है बर्गर के साथ देता है, बहुत अच्छा था, मेरे को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पे जाके ट्राई करने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। आप में से किसी को अगर पता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रेन 4:10 को आने वाला था, अभी थोड़ा सा लेट है, अभी थोड़ा सा नहीं 1 घंटा लेट है, चलता है, ट्रेन तो हमेशा ही लेट करता है। ऑन टाइम में बहुत कम होता है कि ऑन टाइम में ट्रेन आ रहा है, तो अभी तो मेरा ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आने वाला है, इसलिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म तक चलते हैं, उधर जाके बैठेंगे जब तक ट्रेन नहीं आ जाता। और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है, फ़ोन को भी चार्ज करना। और अभी 4 बज चुके और 5:18 पे दिखा रहा है ट्रेन स्टेशन पे आएगा, तो तब तक वेट करते फिर चलेंगे। अच्छा ही है, कोई इधर भी अच्छा है, उतना गर्मी है नहीं आज इसलिए उतना तकलीफ नहीं हो रहा, नहीं तो कभी कभी इतना वेदर ख़राब रहता है, बहुत गर्मी रहता है तो तब दिक्कत होता है।
और ट्रेन में चढ़ जाएंगे फिर तो एसी में और भी अच्छा है। तो चलिए अभी तो प्लेटफॉर्म में चलते, अभी ट्रेन की कुछ न्यूज़ आया नहीं कि कितने वक्त में कितने टाइम पे आएगा या कौन सी प्लेटफॉर्म में आएगा। मेरे पास जो ऐप है उसी की मदद से देखा हूँ कि दो नंबर प्लेटफॉर्म में आएगा, तो चलते दो नंबर प्लेटफॉर्म में। आप लोगों को एक सीन दिखाओ, ये देखो इस गाड़ी का नंबर फॉलो करना 1232, ठीक है, हावड़ा टू मुंबई। मेरे को इसी गाड़ी में वापस जाना है, लेकिन ये मुंबई के लिए जा रहा है और मेरे को मुंबई से आने वाली गाड़ी में जाना है, और एक घंटा तो ऑलरेडी लेट है और अभी भी 10 मिनट लगेगा ट्रेन आने में। और ये ट्रेन लेट था शायद या आगे चलेगा, क्या पता क्या सीन है, जो भी है ठीक है। ट्रेन आने वाला था 4:10 को, पक्का एक घंटा 40 मिनट लेट किया। ठीक है अभी चढ़ते हैं ट्रेन में, क्या ही कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस की वजह से उतना पूरा खाली हो चुका है अभी, क्योंकि अभी 2 घंटा लगेगा। और आपको राम राम और गुड मॉर्निंग। मेरे को पता नहीं अंदर कितना सुनाई दे रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा था कि बहुत शोर है, बहुत। ट्रेन जब चलता है एसी कमरा है, अंदर से उतना मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन गेट के पास आने के बाद मालूम पड़ जाता है, हॉर्न बज चुका है, ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। और एसी का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा भी लगा, एकदम रिलैक्स में आ गए। करीबन 19 घंटे अभी 2 घंटे बाकी है, 17 घंटे कब चले गए पता भी नहीं चला। इसे मैं 6 घंटे के करीब सो गया था, उसके बाद थोड़ा सा मूवी देखा, बिंदास टाइम चला गया, ये भी अच्छा ही लगा। तो एसी का एक्सपीरियंस अच्छा था, जो भी हो।
नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा पैसा बचत करके घर वापस जब भी आओ जहाँ से भी आओ एसी में आने के। तो अभी चलते हैं, वेस्ट बंगाल में घुस चुके हैं ऐसे, अभी बर्धमान पहुँचने में शायद और एक घंटा लग जाएगा, उसके बाद बर्धमान से हावड़ा बिंदास पहुँच जाएंगे। तो चलो हावड़ा पहुँचते और आप लोगों से मिलकर बात करते हैं, फिर डिटेलिंग में और भी बहुत कुछ बोलेंगे आप लोगों को। 18 नंबर 9 नंबर का रोड पहले सुन लो, 9 नंबर प्लेटफॉर्म में देने वाला था लेकिन 18 पे दे दिया, इसलिए यहाँ से तो अलग ही स्ट्रगल करना पड़ता है। 18 से बस स्टैंड तक जाने के लिए 10 मिनट चलना पड़ता है। बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि मुझे पता नहीं। तो 17 पे 17 की बात से 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब प्लेटफॉर्म में सब प्लेटफॉर्म में अगर ट्रेन देता है फिर चल के बस स्टैंड जाने में 10 मिनट और लग जाता। तो चले सब बात छोड़ते और इसी ब्लॉग को इस सीरीज़ को ही एंड करते। तो सबको राम राम और नया कुछ नमः पार्वते हरे हरे महादेव। राम राम, बाय बाय।